अगर ये धरती और 100 साल चलती है तो धरती की पॉपुलेशन 800 करोड़ से 2000 करोड़ हो जाएगी धरती चलने वाली नहीं है और ये होने वाला नहीं है मनुष्य की संख्या कम होती जाएगी धीरे धीरे बढ़ेगी नहीं आत्मस्वरूप बनो स्वयं को पहचानो आत्मस्वरूप आत्मा की शक्तियों को बढ़ाओ आने वाले समय में ऐसी तंत्र मंत्र भूत प्रेत एलियन सब बहुत प्रकोप बढ़ने वाला है आने वाले समय में तो मनुष्य क्या करे फिर तो उनके लिए अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ ना आत्मस्वरूप बनो और बेहद के परम पिता को ज्ञान से जानो उससे पावर लो ना ऑलमाइटी से पावर लो अब दूसरे किसी के काम में पावर नहीं आएंगे डायरेक्ट आत्मा की पावर लो परम लाइट की पावर परम दिव्य लाइट दिव्य स्वरूप दिव्य बुद्धि दिव्य बुद्धि से दिव्य ज्ञान आएगा दिव्य ज्ञान से दिव्य चक्षु आएंगे दिव्य दृष्टि आएगी ओरा में परम लाइट आएगी तो ऐसे नेगेटिव जो एनर्जी है वो तुम्हारे ओरा और देख कर ही भाग जाएंगे

विकर्म विनाश करके अंत में उंच परमधाम ले जाऊंगा तो अभी सब ये होने वाला है थर्ड वल्व और हुआ तो क्या होगा अभी तो कुछ भी नहीं है आने वाला समय तो अगर थर्ड वल्व हुआ तो भूत प्रेत मनुष्य से कई गुना भूत प्रेत संख्या है मनुष्य से भी कई आज एक बात बताऊं आज से 220 साल पहले धरती मन पर मनुष्य कितने थे 100 करोड़ आज आठ करोड़ से भी ज्यादा है तो ये 700 करोड़ मनुष्य आत्मा आई कहां से पहले भूत प्रेत ही होगी ना सब पहले भूत प्रेत होंगे तब तो आई होगी ऊपर तो से एलियंस आए होंगे वेटिंग में ऊपर से पर आप एलियन तो मनुष्य कम बने हैं ना आप कह रहे थे या नहीं बने तीन साल पहले जो अब्राह्म का पूरा ग्रुप आया ना अब्राह्म से अलग अलग आए वो सारे एलियन थे ना ऊपर से आए थे ना ये सब धीरे धीरे तो एक बार एलियन अगर मनुष्य बन जाते हैं तो फिर मनुष्य ही बनते रहते हैं फिर तो जन्म मरण के चक्र में वो भी आता है वो भी आ जाते हैं तो एलियन भी यहाँ कई बार अपने रूप निकाल के यहाँ बना देते हैं अपनी संख्या बढ़ा देते हैं उसको एलियन भी मगर खुद ओरिजिनल एलियन नहीं आएगा अपने रूप निकालेगा और मनुष्य जन्म के लिए भेजेगा अपना धर्म का विस्तार करने के लिए ये सब करेंगे ये सब करते हैं

ग्रेट यूनिवर्स ग्रेट गेट यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स इससे ऊपर की भी बातें करते हैं तो ये सब क्योंकि नए जो लोग हैं हमारे तो मतलब आजकल की जनरेशन तो यही नहीं समझते ना कि ये चीजें अस्तित्व में हैं, ये सूक्ष्म जगत कारण जगत महाकार तो इतना दिखाते हैं बिलियन लाइट की तो वो सारी सूक्ष्म जगत दिखाते हैं ना अब तो ये दिखा तभी तो इतना बोलने का हमारे को लगा नहीं तो ये सब पागल ही बोलते हैं आ, इतना कुछ ना दिखाते तो लोग तो पागल ही बोलते हैं हैं कि ये क्या के कर रहे। कर रहे। तो यूनिवर्स बोलते हैं मल्टीवर्स के अंदर मल्टीवर्स शब्द जो है, सब है ये सब बातें ये मगर शास्त्रों में हिंदू शास्त्रों में लिखा है ना अनंत कोटि ब्रह्मांड शास्त्र को भी नहीं मानते क्या करेंगे को नहीं मानते मगर आत्मा को ही नहीं मानते बाकी तो तो खाओ पियो करो कल यही चलता है यही चल है तो इसलिए आत्मज्ञान नहीं होगा अंत में आत्मज्ञान लोग अंत में ये सब भूत प्रेत पिशाचों की बातों को भूल जाएंगे सब थक जाएंगे सुन थक, थक जाएंगे ये सब की बात है जैसे इडियट बॉक्स बोलते हैं ना यार हाँ। टीवी को हाँ। आगे आने वाले आप ये सब अब जो देख रहे हैं ना भूत प्रेत की बातें अच्छी लगती हैं आजकल नया नया है ना ज्ञान नॉलेज चाहिए फिर इडियट ये ये चैनलों को भी इडियट कहेंगे आ, सही बात है फिर वो क्योंकि विनाश इतना उचार और नेगेटिव वाइब्रेशन तो, इतना होगा कि उससे बचने के लिए उनको पावर चाहिए तो आत्मज्ञान की ओर तब जाएंगे विनाश काले अभी तो सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि सबकी बुद्धि खाओ पियो ऐश करो कल किसी ने देखा यही चल रहा है ना सब नास्तिकवाद की ओर चले हैं सब नास्तिकवाद अनेक धर्म मठपन संप्रदाय में सभी नास्तिकवाद की ओर चल पड़े सभी इसलिए अभी आएगा समय थोड़ा आने वाले समय में ऐसा हो, आएगा कि लोग फिर परम सत्य को ढूंढेंगे जब परम सत्य ढूंढेंगे तो मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ आत्मज्ञान आत्मस्वरूप अच्छा मेरे को सिर्फ इतना एक जवाब दीजिए इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए कि अगर ये धरती और सौ साल चलती है तो धरती की पॉपुलेशन आठ सौ करोड़ से हजार तो दो हजार करोड़ हो जाएगी सिर्फ हा या ना एक्सप्लेनेशन नहीं अगर धरती चलती है तो धरती चलने वाली नहीं है और ये होने वाला नहीं है नहीं चलो अब मैं कह रहा हूं चलो हो जाए तो, तो। अभी मैं बताऊ होने मनुष्य की संख्या कम होती जाएगी धीरे धीरे बढ़ेगी नहीं ओके ज्यादा ज्यादा ये, ये दो तीन साल में ये सौ करोड़ बढ़ सकती है नौ सौ करोड़ तक पहुंच सकते हैं इससे आगे नहीं बढ़ेगी बाद में तो रिड्यूस हो जाएगी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी प्रकृति नेचुरल कैलोमिटी बहुत बढ़ेगी

आजकल तो लाइन लगी है भूत प्रत की भी मनुष्य बनना है मनुष्य बनना है कहीं भी गरीब घर में भी जन्म ले लेते हैं कि चलो एक बार मनुष्य बन जाए अपने वासना के कारण वासनाओं वासनाओं के के कारण के कारण लेकिन तो फिर अकल कब आएगी भूत प्रेतों को कि अब नहीं लेना बट जब गरीबी देखेंगे खाना पीना नहीं मिलेगा भूख मरा देखेंगे तब सोचेंगे ना कि अब नहीं जन्म नहीं लेना है कहीं धरती पर विनाश देखेंगे ये देखेंगे तब नहीं लेंगे फिर फिर मनुष्य सृष्टि धीरे धीरे खत्म होती जाएगी वैसे भी मनुष्य सृष्टि खत्म होने वाली है धीरे 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 खत्म हो जाएगी और थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो, तो ऐसे होने वाला ही है परम शांति के वाइब्रेशन अगर रोक लो तो रोक लो परम शांति ग्रुप विनाश रोक सकता है परम शांति के वाइब्रेशन डाल के लोगों को परिवर्तन करके रोक सकता है तो चलिए आज के बहुत सारे क्वेश्चनों के बाबूजी से हमने जवाब लिए इसके लिए बाबूजी को दिल से धन्यवाद और जो नई नई आत्माएं हमसे जुड़ी है आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बताऊंगा बाबूजी ने भूत प्रेतों पे अभी रिसेंटली पिछले दस दिन पहले ही बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था और उसके बाद फिर हमारा एक और वीडियो आया जिसके अंदर ए और एलियंस के ऊपर हमने बहुत गहराई से बात की बापूजी ने महाकाल प्रलय के ऊपर बहुत बढ़िया बात की है। अगर आप देखेंगे महाकाल प्रलय बाय बापूजी पार्ट वन एंड टू आप सर्च करिए यूट्यूब में तो आपको बहुत ही बढ़िया वीडियो हमारे मिलेंगे एक करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ है पचास हज़ार से ज़्यादा लाइक है तो हमारे से जुड़िए मैं डेली रात को लाइव मेडिटेशन कराता हूँ बापू जी इसी चैनल पर रात को दस से ग्यारह अगर आप मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल में साक्षी के द्वारा सुबह साढ़े पाँच से साढ़े छः बजे आप वहाँ पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट के लिस्ट हैं जिसके अंदर बाबू ने क्योंकि साढ़े तीन हज़ार हमारे वीडियोस हैं तो कुछ चुनिंदा वीडियोस आप देखेंगे तो अनस्पोकन ट्रूथ का प्ले है बहुत सारे पॉडकास्ट के लिस्ट है आपको जो जिसमें इंटरेस्ट हो वहाँ से शुरुआत करिए अध्यात्म में बढ़ना शुरू करिए मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ करना क्या है और कैसे आगे बढ़ना है हमारा एक एक और YouTube चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट आनंद जिसमें मैंने सौ से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जिनका जीवन बदला है बापूजी के ज्ञान को सुन के परिवर्तन हुआ है ज़रूर से वो भी देखिएगा तो हमारी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए शेयर करिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए जो भी आध्यात्मिक लोग आपके संपर्क में हैं उनको ये वीडियो का लिंक ज़रूर भेजिए ताकि उनको ये अवेयरनेस हो क्योंकि देखिए ये ज्ञान के द्वारा ही परिवर्तन होगा ज्ञान से ही सबका कल्याण होने वाला है और हम चाहते हैं कि सबको मोक्ष की ओर ले जाए नहीं तो ये दुनिया भूत प्रेत बनेगी तो दुनिया में सुख तो कहीं रहेगा नहीं दुखी दुख बढ़ने वाला है जैसे बापू जी जो बोलते हैं वो बहुत सही बोलते हैं लेकिन समझने के लिए सबको अभी समय लगेगा तो जब आज हमारे पास समय है आज हमारे पास शक्ति है आज हम कुछ कर सकते हैं अच्छा तो यही करें कि आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़े और विश्व का कल्याण करें हमारे साथ और परम शांति की वाइब्रेशन दुनिया तक ये तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बापू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेहद की, की परम आशांति फॉर आवर मॉर्निंग लाइव मेडिटेशन मंडे टू सैटरडे 5:30 टू 6:30 थर्टी जॉइन अस डेली फॉर लाइव मेडिटेशन